देखिए कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं होता है कि शासन से आप लोगों को कोई अधिकार था कि आप लोगों को मिलना था। अगर शासन से आवंटन आएगा तो नहीं आएगा तो नहीं होगा, बिल्कुल अधिकार नहीं है। कौन कह रहा अधिकार हमारे नाम पे? जब वर्कशॉप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई अधिकार नहीं। आप ये बताएं मुझे, आपने क्यों साइन किया? मैंने इसलिए साइन किए थे, मुझे लगा कि आप लोगों का कल्याण करना चाहिए, भला करना चाहिए, लेकिन आप लोगों का कल्याण नहीं कर रहे। सॉरी, आप कल्याण नहीं कर रहे। अगर सरकार से आवंटन जैसे ही मिलेगा वैसे आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए, हाँ आपको मिलेगा। एक मिनट एक मिनट, रुक जाइए, हो जाए। अरे भाई रुक जाओ, भी सुनना है। अप्रैल में भी बहुत बड़ा करने का आ रहा है। अरे हाथ हाथ हटो, हाथ रखो यार, बैठो आप लोग, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो एकदम। क्या चाहिए? लिख दिया उसी दिन आपको भुगतान दिया जाएगा, ठीक है? हरी वैष्णिक संस्था आई हूँ। हटा रहे हैं इनको, अब इनका यार भाई हट जा, हमारा बयान दिया था तो माता कैसी बातें करो। 2 महीने पहले दिया भी नहीं था आप लोगों ने, कब दिया था मुझे बताओ, कितना समय हुआ होगा, कब हुआ होगा बताओ, ऐसे झूठ मत बोला करो साहब। एक तो भाई जो मदद कर रहा है उसके ऊपर जो है वो कर रहे हो आप लोग, आरोप लगा रहे हो। 70 दिया गया था वैसे हमें। हां तो भाई ठीक है, जो आ रहा है सरकार का आवंटन वही मिलेगा ना, जब आएगा तो मिल जाएगा आप लोगों को। आ चुका है आपका, 7-8 दिन लगेंगे, 7-8 दिन में मिल जाएगा। कोई लिखने में टाइम थोड़ी ना लगेगा भाई, ऐसे नहीं होता है, टाइप करके भी आपको दे रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो यार, इनको जाओ अभी अभी लिखे दे दो, या कितना जाओ आप तहसीलदार साहब के पास में लिखे दे, चले जाइए, आइए तहसीलदार साहब पर जाइए। तुम लोग अभी रुकना, तुम लोगों से बात करनी है। तेल लगाएगा और क्या, तुम 10 क्या आधा घंटा हमारा नाच ही देखोगे फिर। इतने दिनों से होगा, 2-3 महीना हो गया, पागल बना रखा है आपको। दो मिनट की बात है, आप भी यही हूँ, मैं भी खड़ी हूँ, उनको आप भी तो जानते हैं ना सर। कागज पर पुत्र करने जा रहे हैं तो सही है, मैं भी दे रहा हूँ, आप यही आप जा रहे हैं। जैसे हम कहाँ लिखे बैठ के जा रहे हैं, पहले लिख के लेकर आएंगे। और क्या, गाड़ी में बैठ के लिखा जाएगा। फ्रंट से बनाओ राज भाई, फ्रंट से फ्रंट से बनाओ, फ्रंट चार तारीख को आ चुका है, फंड आकर चला भी गया है, खत्म भी हो गया है, खत्म कर देते हैं कि पैसा खा रहे हैं बच्चों का। तो कलेक्टर ने फंड देने का चेक बना के दिया यहीं पे कि 70,000 दे पाएंगे, अभी हमारे पास 70,000 है, 2 दिन में दे देंगे, फिर इन्होंने वो पैसा नहीं दिया है। अब इनके जो मंत्री हैं जो यहाँ पे देखते हैं पंथारी जी, उन्होंने कहा हाँ करते हैं आज करते हैं, पैसा खत्म हो गया। तो मेरा सिर्फ यही है कि इन गरीब बच्चों का, इन किन्नरों का पैसा कैसे खत्म हो गया, कहाँ लगा दिया? अभी तक तो कोई काम नहीं किया, ना कोई काम करता है हिंदुस्तान में इस तरह से कि किन्नरों के लिए कोई अभी तक खुल के आया। हाँ, ऋषि अजय दास जी काम करते हैं इनके लिए, तो इन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है, हम तो अपनी तरफ से करते ही हैं काम, लेकिन अगर सरकार भी मदद कर रही है, सहयोग कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पैसा ही नहीं दे रहे हैं।
सरकार की तरफ से हमारे किन्नरों के लिए फंड आता है हर साल 2 लाख रुपए का। हमने एक वर्कशॉप की थी पिछले महीने जिसके लिए हम इनसे फंड के लिए आए थे, तो इन्होंने 2 लाख तो नहीं, इन्होंने 70,000 हमारे लिए सेंक्शन किया था। हमारी जो वर्कशॉप थी 14, 15, 16 जनवरी की थी, और फंड तो वर्कशॉप से पहले आना चाहिए, और अब फरवरी चल रहा है। अब हमारे जो पंथारी जी हैं वो बोलते हैं हमेशा कि फंड आएगा तो देंगे, और पीछे का 4 तारीख को फंड आ चुका है, तो हमें फंड अभी तक क्यों नहीं मिला है।